बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ कैंटर पब्लिशर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न मैथमेटिक्स 8 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 1। फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव दीज थ्री बुक्स, टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8, समर पैक एंड रिसोर्स पैक। हम मेन कॉन्टेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रिलेवेंट है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। चलें जरा बुक की तरफ। रियल नंबर्स, यूनिट नंबर 2। रियल नंबर्स क्या हैं? ये हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, उससे पहले हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कशन की। अब यहां पर देखें, हमारा जो इस टॉप यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है 2.1 इरेशनल नंबर के बारे में है। रैशनल नंबर्स के बारे में हम प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग उसको रिकैप करेंगे और यहां पर नया नंबर इरेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे, जो उनके कंबिनेशन जो यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, वो मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। फिर हम देखेंगे 2.2 टॉपिक स्क्वेयर्स के बारे में, एंड देन 2.3 में स्क्वेयर रूट्स देखेंगे, 2.4 में क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इसमें क्या है, डिफाइन एन इरेशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट एसएलओ है। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। और सेकंड एसएलओ क्या है, रिकॉग्नाइज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को रिकैप करेंगे और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को सीखेंगे कि ये क्या है। फिर हम लोग कुछ टेक्निक्स ऐसी यूज देखेंगे, सीखेंगे कि जिनको यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। चलिए जरा बुक के पेज नंबर 19 और 20 की तरफ। इरेशनल नंबर ये क्या है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में ये सीखा था, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। अब यहां पर क्या चीज है, इरेशनल नंबर। एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन सिंपल फ्रैक्शन। ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शन की शेप में नहीं राइट कर सकते। ऐसा नंबर जिनको हम लोग जिसको फ्रैक्शन की शेप में राइट करें, वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो इरेशनल उसका रिवर्स होता है। दैट इज द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट एंड 5 स्क्वायर रूट आर इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, यहां पर मजीद डिस्कशन से पहले चले जरा बोर्ड की तरफ, वहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह मेन पॉइंट्स, कौन सी टेक्निक है जिनसे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में डिस्कशन कर रहे थे इरेशनल नंबर्स के बारे में। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था और रैशनल और इरेशनल को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, उनका यूनियन लेते हैं, तो क्या बनता है, यह हम लोग देखेंगे इसी यूनिट के अंदर। बट अभी जो चीज हमने देखनी है, हमने देखना है कि इरेशनल नंबर्स क्या है और उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें, हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या थे,
एंड देन हम इरेशनल को देखेंगे, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या थे, हमने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर q is not equal to 0 and p and q belongs to integers, ये integers को belong करते हैं। देखें तो ये हमारे पास rational numbers बन जाते हैं। अब एक और चीज आपने नोट करनी है, वहां पर हम लोगों ने whole numbers को भी discuss किया था और integers को भी discuss किया था। यहां पर देखें कि ये होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है कि अगर आपके पास ये चीज बन जाती है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, मींस हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, 1/2, 3/5, these are written in form of p over q। ये जो definition थी ये हमने previous grade में study की थी। अब यहां पर यही numbers अगर p और q integers को belong करें, integers के लिए set of हम लोगों ने किस तरह represent किया था, integers के लिए that p and q can also belongs to integers, ये चीज आपने नोट करनी है। हमने प्रीवियस ग्रेड में ये डेफिनेशन पढ़ी थी, डब्ल्यू को बिलोंग करते थे। अब यहां पर एक चीज देखें, 1/2, 3/5 आर ऑल रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रैशनल नंबर्स कैन बी represented by q, English alphabet जो q है उससे represent किया जाता है। But यहां पर एक तो था इसका reverse क्या था, इसका opposite क्या था, irrational numbers, ऐसा number जो rational ना हो वो irrational होगा, उसकी identification क्या है वो हम चल के देखते हैं। देखें a number, a number that cannot be written in form of p over q, where q is not equal to 0 and p and q thus belongs to z, integers को belong करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है, हमारे पास जो पाई है means के ऐसे नंबर जिनको हम लोग इस शेप में ना राइट कर सकें, सपोज आपके पास 2 अंडर रूट है, 2 स्केयर रूट है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू। अगर मैं इस शेप में देखूं, 2 इसका जो डिनोमिनेटर है 1 है, ये भी इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, जब हम लोग इसका स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आता है, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आती हैं, जो भी वैल्यू आती हैं वहां से आपने चेक करना है, बट ये इस फॉर्म में नहीं राइट हो सकता। अगर इन शेप देखें, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन को फुलफिल नहीं होती। एक और चीज आपने नोट करनी है, आपके पास दूसरी एग्जांपल जो है वो पाई है,
दिस इज इरेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये कहीं पर टर्मिनेट नहीं होती और दैट इज इक्वल टू 3.142 एंड सो ऑन. ये आगे तक मूव करती हैं. तो आप देखें कि आप किस कई जगह पे यूज करते हैं पाई इक्वल टू 22/7. अब एक चीज आपने नोट करनी है. एक तो ये चीज है आपके पास डेफिनेशन कि अगर मैं पाई की वैल्यू ये वाली देखूं 22/7 जो है ये क्या इस शेप में रिप्रेजेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है. तो हमारे पास क्या चीज है 22/7 जो है ये यहां इस शेप में अगर रिप्रेजेंट हो रही है तो ये रैशनल है, रैशनल है. बट हम लोग एग्जांपल जो देते हैं कि हमारे पास पाई जो है वो इरेशनल है. ये क्यों है? इफ मेरा क्वेश्चन आपके ऊपर ये है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपने इसको सोचना है कि पाए जो है, पाए इज इरेशनल नंबर बट 22/7 इज रैशनल. वाई? हमने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये वैल्यू यूज की है. क्यों? क्योंकि ये इस शेप में है. अब वहां पर हमारी एक और डेफिनेशन आती है. दूसरी जो डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी है वो भी आपने याद करनी, ये भी याद रख लेनी कि आपके पास ऐसा नंबर जब भी हम लोग इनको डिवाइड करते हैं ये किसी ना किसी प्लेस के ऊपर टर्मिनेट हो जाते हैं. मींस के 1/2 करेंगे 0.5 आ जाएगा, 3/5 करेंगे 0.6 आ जाएगा, सो ऑन. तो आपके पास ये जो वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 0.5 एंड 3/5 दैट इज इक्वल टू 0.6. मीन देखें 30 है, इसको डिवाइड करके देख लें 5 3 है तो हम साथ जीरो लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं और 30 आ जाता है आपके पास. ये चीज बन जाती है. सो दिस नंबर इज इक्वल टू दिस वन. ये यहां पर खत्म हो जाते हैं. पॉइंट आपने क्या रखना है रैशनल के लिए, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है आपने उसको इस तरह डिवाइड करके देख लेना है. अगर तो उसके डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं और कहीं पे रिपीट नहीं होते तो उसका मतलब है वो रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल नंबर है. अब दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, आपने जो चीज याद रखनी है पाए और इसके बाद 5.21311 एंड सो ऑन एंड 4, ये इस तरह के जो नंबर्स हैं पॉइंट के बाद जो डॉट के साथ आगे कंटिन्यू होते रहते हैं वो नंबर्स भी जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होंगे. उनको कंसीडर करना है क्योंकि उनकी जो टर्मिनेट कहीं पर भी उनके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं डिजिट्स वो कहीं पर टर्मिनेट नहीं होते. अ नंबर, सेकेंड डेफिनेशन इसकी आप याद रख लें, अ नंबर नंबर दैट हैव इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर.
इरेशनल नंबर। एक डेफिनेशन ये थी और इरेशनल नंबर की दूसरी ये थी। आप ये डेफिनेशन राइट कर दें या ये राइट कर दें, दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है रेशनल और इरेशनल नंबर्स को, मेथोडोलॉजी क्या है कि आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, आपने उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेना है, जिस तरह मैंने यहां पर डिवाइड करना बताया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो चीज बनती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, उनके डेसिमल पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। यहां पर जिस नंबर के डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाए या स्क्वायर रूट के शेप में आ जाए नंबर, उसको आप स्क्वायर रूट करके देखें कि डेसिमल पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो आपके पास रैशनल होता है, अदरवाइज इरेशनल। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कि आपने ये बताना है पाई इज इरेशनल नंबर बट 22/7 इज रैशनल, व्हाई? जो अभी मैंने आपको बताया है इसमें इसका आंसर मौजूद है, जो अभी हमने स्टडी किया है। सोचे कहां पे आंसर है इसका, देखें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर ईमेल पे मेल कर सकते हैं अपना आंसर। तो अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम इन भी डेफिनेशन को देखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बोर्ड पे डिस्कस कर रहे थे और डेफिनेशन भी देखी थी, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी बोर्ड पे बताई थी। नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू का मतलब होता है कोई किसी भी फ्रैक्शन में, वेयर पी एंड क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। और अ नंबर हूज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है देखें, एग्जाम्पल्स वही है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे डिस्कस करके बताया था। देयर इज नो सच इरेशनल नंबर विच इज स्क्वायर टू टू, देयरफोर द स्क्वायर रूट ऑफ टू इज ये दिस वन इज नॉट अ रैशनल नंबर। सिमिलरली दीज आर द नंबर्स that are not rational, so these numbers are irrational number. क्यों? आपको मैंने बोर्ड पे अभी बताया था कि आपने इनको जो ऑपरेटर्स यहां पर गिवन है, ऑपरेटर कौन से हैं? इसके थ्री और टू स्केयर रूट के बिटवीन मल्टीप्लीकेशन का है। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें स्केयर रूट के साथ तो आपके पास नंबर्स जो हैं वो क्या आने चाहिए, पॉइंट के बाद या तो रिपीट करने चाहिए या नॉन, या तो नंबर किसी एक पॉइंट पे जाकर किसी एक डिजिट के ऊपर जाकर फिनिश हो जाने चाहिए, तो वो नंबर रैशनल होते हैं, अदरवाइज सारे के सारे इरेशनल होते हैं। अब आपने चेक करना है इन नंबर्स को अपने कैलकुलेटर्स की हेल्प से या वैसे डिवाइड करके या स्क्वायर रूट लेके कि क्या ये नंबर कहीं पर रिपीट कर रहे हैं या कहीं पर फिनिश हो रहे हैं किसी डिजिट पे। अगर नहीं हो रहे तो फिर आपने क्या करना है, आपने उनको आइडेंटिफाई कर देना, बता देना कि ये नंबर इरेशनल है। तो आ जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे, रिकॉग्निशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे बताई है। देखें कैसे, द टर्म रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, सो रैशनल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज a number that can be written as a ratio of two integers is called a rational number. For example, 1.5 is a rational number because it can be written as p over q, as p over q that is 3/2. And similarly, -7 is a rational number because it can be written as -7/1. Because every digit, every integer is a rational number because that can be written in form of p over q. Under root 3 is an irrational number because 3 is a prime number. Similarly, example number 1 dekhen,
जहां पर आपने आइडेंटिफाई करना सीखना, जो मेथडोलॉजी मैंने आपको बोर्ड पे बताई है और यहां पर जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं उनको फुलफिल करके। अब 5 अंडर रूट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज 5 इज द प्राइम नंबर। ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है आप देख लें। फिर आपके पास 1/2 इज अ रैशनल नंबर, ये 1/2 जो है ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। पाई बाय 3 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि पाई जो है, पाई की जो वैल्यू है वो 3.142 एंड सो ऑन, ये कभी भी खत्म नहीं होती किसी स्टेज के ऊपर, और ना ही जो है ये टर्मिनेटिंग होती है। सो इट इज इरेशनल। अब देखिए यहां पर पाई ओवर 3 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज पाई इज इक्वल टू 22/7। अब यहां पर अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये आपके पास क्या बनता है, ये तो रैशनल बनता है। क्या ये P ओवर Q की शेप में नहीं है, 22/7, ये बोथ आर इंटीजर्स। सो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना, दिस इज नॉट अ वैल्यू ऑफ पाई, इट इज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ, आपने इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज, ये चीज आप अपनी बेशक बुक से निग्लेक्ट कर दें या इसको डिस्कार्ड कर दें, खत्म कर दें, क्योंकि पाई जो है दैट इज इक्वल टू 3.14। So, जहां पर वैल्यू तो गिवन है पाई की, तो वहां पर आपने 22/7 लेना है, क्योंकि यहां पर 22/7 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 3.142 एंड सो ऑन, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स व्हाई पाई ओवर 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। यहां पर आपके पास एक्सरसाइज 2A है या और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने क्या करना है, यहां पर सेपरेट करना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को फ्रॉम द फॉलोइंग। 1/3 क्या है, ये रैशनल है या इरेशनल है, डिवाइड करके देखें, ये 0.333333 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। सो दिस नंबर इज रैशनल, इरेशनल नहीं हो सकता। फिर इसी का स्क्वायर रूट लें, सिमिलरली इनको डिवाइड करके देखें क्या ये रैशनल है या इरेशनल। तो स्टूडेंट्स आपने ये बताने हैं और ये काम आपने नोटबुक के ऊपर करना है, और इसको नोटबुक के ऊपर करने के बाद इस काम को आपने अपने टीचर के पास चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे, इरेशनल नंबर, डिफरेंशिएट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, आल्सो गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ ईच। आपने ये बताना है, जस्ट यहां पर डेफिनेशन राइट कर दें और हर नंबर की आपने एग्जाम्पल लिखनी है। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली पेज 22 पे आपने मैच करना है कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो है इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, फिर इनके साथ आपने इनको ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था इरेशनल नंबर्स, इसमें हमने ये 2 SLOs डिस्कस किए। फर्स्ट हमने डिफाइन किया इरेशनल नंबर्स को कि ये क्या है, एंड देन हमने कुछ गिवन एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में से रिकॉग्नाइज किया रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेसन। अल्लाह हाफिज़।